आज हम आपको एक्टर पिता पुत्र के दर्दनाक अंत की जानकारी देने जा रहे हैं। पिता 70-80 के दशक की फिल्मों का एक मशहूर विलन हुआ करता था, वहीं बेटा 90 के बॉलीवुड का जाना पहचाना नाम था। इन दोनों की मौत के बारे में जानकर आप चौंक उठेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पुरानी हिंदी फिल्मों के मशहूर विलन यशराज की, जिनको आप उनके किरदार जुबिस्को के नाम से जरूर जानते होंगे। उनके दर्दनाक अंत के बारे में बताने से पहले हम आपको उनके यूसुफ खान से यशराज बनने की कहानी बताते हैं। अगर आपने उनकी फिल्में देखी होंगी तो आपको भी जरूर लगा होगा कि वो भारतीय नहीं लगते थे। जी हाँ, वो भारत नहीं बल्कि मिस्र में पैदा हुए थे। 1 मई 1940 को जन्मे इस बेमिसाल अभिनेता का पूरा नाम यूसुफ अबू शेर था। रंग गोरा चिट्टा और सधा हुआ शरीर। बचपन से ही इनको एक शौक था फिल्मों में काम करने का। खासकर वहां भारतीय फिल्में काफी मशहूर हुआ करती थीं। इन्हीं हिंदी फिल्मों को वो देख देख कर बड़े हुए तो शौक चढ़ गया हिंदी सिनेमा में आने का। 60 का दशक चल रहा था, वो करीब 25-26 साल के रहे होंगे। उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और मिस्र छोड़कर सीधा चले आए भारत और पहुंचे माया नगरी मुंबई। ना तो उन्हें हिंदी आती थी और ना ही कोई जान पहचान थी, बस हीरो बनने के लिए भटकना शुरू कर दिया। हिंदी सीखने लगे और डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के ऑफिस से लेकर स्टूडियोज के चक्कर भी काटने लगे। जहां भी जाते वहां लोग इनके गोरे चिट्टे और सुडौल शरीर को मुड़ मुड़ कर देखा करते, लेकिन काम कोई भी नहीं दे रहा था। करीब 2 साल तक ऐसे ही भटकते रहे, फिर एक दिन किस्मत ने साथ दिया। ये बात 1967 के आसपास की होगी, जब डायरेक्टर गीता प्रिया की नज़र इन पर पड़ी और उन्होंने इन्हें अपनी फिल्म का हीरो बना दिया। 1969 में ये फिल्म आई। इस फिल्म का नाम था जंगल की हसीना। ये फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई और यूसुफ फिर से पहचान के लिए भटकने लगे। इतने सालों में उनकी दोस्ती कुछ फिल्मी कलाकारों से हो गई थी। उन्होंने सलाह दी कि अगर अपना नाम बदल लो तो शायद कुछ काम बन सकता है। उन दिनों बॉलीवुड सितारों के बीच फिल्मी नाम रखने का बड़ा चलन था। यूसुफ को भी ये बात समझ में आ गई और उन्होंने अपना नाम यूसुफ अबू शेर से बदल कर यशराज रख लिया। अब इसे इत्तेफाक कहें या नसीब, लेकिन नए नाम ने इनकी किस्मत सच में बदलनी शुरू कर दी। उनको फिल्मों में रोल मिलने लगे। 1970 के आसपास महमूद एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म के लिए महमूद ने अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा को साइन कर लिया था। बस उनको इस फिल्म में एक बॉक्सर के रोल के लिए एक नया चेहरा चाहिए था। यशराज बन चुके यूसुफ महमूद से मिले और वो महमूद को पसंद भी आ गए। 1972 में ये फिल्म आई, जिसका नाम था बॉम्बे टू गोवा। इस फिल्म में एक पारसी बॉक्सर के रूप में यूसुफ नजर आए। उनका महमूद के साथ एक फाइटिंग सीन बड़ा मशहूर हुआ था और इसी फिल्म से पहली बार यूसुफ की पहचान दर्शकों के बीच बन गई। महमूद को तो वो इतने ज्यादा पसंद आ चुके थे कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म गरम मसाला में भी उनको एक रोल ऑफर कर दिया। इसके बाद उनको फिल्में मिलनी भी शुरू हो गईं, जैसे 1973 में आई फिल्म नैना, 1974 में दो फूल और दुनिया का मेला, 1975 में धर्मात्मा और 1976 में हर फन मौला। ये अलग बात थी कि आए तो वो हीरो बनने थे, लेकिन रोल उनको नेगेटिव ही मिलते रहे। लेकिन 1977 में एक फिल्म आई, जिस फिल्म ने उनकी पहचान ही बदल डाली। मशहूर डायरेक्टर मनमोहन देसाई, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उन्होंने एक दिन यूसुफ को बुलाया और बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार यूसुफ को दे दिया। बस यहीं से यूसुफ की किस्मत का सितारा बुलंद हो गया। ये फिल्म थी अमर अकबर एंथनी और इस फिल्म में यूसुफ को परवीन बॉबी के बॉडीगार्ड जुबिस्को का रोल मिला था। फिल्म तो हिट हुई ही, साथ ही साथ यूसुफ का किरदार भी इतना ज्यादा हिट हो गया कि लोग इस फिल्म के बाद यूसुफ को जुबिस्को के नाम से ही जानने लगे। इसके बाद तो यूसुफ ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जैसे परवरिश, विश्वनाथ, डॉन, देश परदेश, मुकद्दर का सिकंदर, कर्ज,
नसीब। डिस्को डांसर और बॉक्सर जैसी फिल्मों में काम करने के बाद यूसुफ अब 70 और 80 के दशक के बड़े खलनायकों की लिस्ट में शामिल हो गए। उनका करियर अब हर साल एक नई उड़ान भरता जा रहा था, लेकिन एक दिन अचानक सब तबाह हो गया। यूसुफ खान ने भारत में ही शादी की थी फैजाना नाम की एक लड़की से। दोनों के 3 बच्चे हुए, फराज, फहद और फादिया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। साल 1985 की बात है, वो एक फिल्म की शूटिंग करने गए हुए थे। उस दिन सुबह से शूटिंग शुरू हो गई थी, यूसुफ के सीन्स शूट हो रहे थे और तभी अचानक यूसुफ की तबीयत बिगड़ने लगी। उनके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा और वो वहीं सेट पर लड़खड़ाने लगे। लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जब तक कोई कुछ समझ पाता, वो अचानक लड़खड़ाते हुए बेहोश हो गए। सेट पर हड़कंप मच गया। फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चेक किया तो पता लगा कि उनकी मौत हो चुकी थी। असल में उन्हें एक दिमागी बीमारी थी जिसकी उन्हें खबर ही नहीं थी, और इसी बीमारी की वजह से उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया था। सिर्फ 45 साल की उम्र में इस अभिनेता की मौत हो गई। दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है कि पिता जैसी किस्मत ही बेटा भी लिखवा कर लाया। 1987 के आसपास की बात है, राजश्री प्रोडक्शंस एक बड़े बजट की फिल्म बनाने जा रहा था। लीड हीरो के लिए ऑडिशंस चल रहे थे। 50 से 55 लड़के इस ऑडिशन में पहुंचे। इनमें सलमान खान, बिंदु दारा सिंह से लेकर दीपक तिजोरी भी थे। इनके साथ ही 17-18 साल का एक खूबसूरत लड़का भी आया था। उसकी एक्टिंग को देखते ही सूरज बरजात्या सब कुछ भूल गए और उस लड़के को फाइनल भी कर दिया। मगर किस्मत ने बाजी ऐसी पलटी कि वो खूबसूरत लड़का रातों रात बाहर हो गया और सलमान खान इस फिल्म के हीरो बनकर रातों रात स्टार बन गए। उस युवक की बदकिस्मती ने पूरी जिंदगी उसका साथ नहीं छोड़ा। बात हो रही है फराज खान की, जो 90 के दशक के हिंदी सिनेमा का एक जाना पहचाना चेहरा हुआ करते थे। 27 मई 1970 को बंबई में पैदा हुए फराज खान एक्टर यूसुफ खान के सबसे बड़े बेटे थे। चूंकि पिता फिल्मों में थे तो बेटे को भी एक्टिंग का शौक चढ़ गया था। सबसे खास बात ये थी कि उनका चेहरा और कद काठी भी हीरो से कम नहीं थी। बस किस्मत ने अगर साथ ना छोड़ा होता तो उनका रुतबा कुछ और ही होता। जी हाँ, राजश्री प्रोडक्शन की वो फिल्म जिसने सलमान खान को रातों रात स्टार बना दिया था, दरअसल वो सलमान खान को मिली ही नहीं थी। मैंने प्यार किया के असली हीरो तो फराज खान थे। हुआ ये कि सूरज बरजात्या ने बतौर हीरो उनको साइन कर लिया था। इन्हें एडवांस फीस भी दे दी गई थी, लेकिन जिस दिन शूटिंग शुरू होने वाली थी उससे एक दिन पहले सूरज बरजात्या को पता चला कि फराज की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। कई दिनों के इंतजार के बाद भी फराज की तबीयत में कुछ सुधार नहीं आ रहा था। जब शूटिंग डिले होती जा रही थी तो राजश्री वालों को बड़ा फैसला लेना पड़ा। सूरज बरजात्या ने फराज की जगह सलमान खान को हीरो बना दिया। इसी फिल्म ने सलमान खान को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। अगर फराज की तबीयत ना बिगड़ती तो मैंने प्यार किया के हीरो फराज ही होते और तब कहानी शायद कुछ और होती। खैर, कुछ साल बीते और एक बार फिर उनकी लॉन्चिंग की तैयारी शुरू हुई। 1994 के आसपास की बात है, विक्रम भट्ट एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उन्हें इस फिल्म में लीड हीरो के रोल के लिए एक एक्टर चाहिए था जो दिखने में डॉक्टर जैसा लगता हो। जब फराज ऑडिशन देने पहुंचे तो विक्रम भट्ट को फराज के अंदर अपना हीरो नजर आ गया। बस फिर क्या था, फराज को इस फिल्म के लिए फाइनल कर लिया गया। 1996 में फरेब फिल्म सुपरहिट साबित हुई। मगर डॉक्टर बने फराज से ज्यादा मशहूर हो गए इस फिल्म में इंस्पेक्टर बने मिलिंद गुनांजी। इसके बाद इनकी सबसे मशहूर फिल्म जो रानी मुखर्जी के साथ थी, मेहंदी, जो 1998 में आई। फराज फिल्म के हीरो तो थे, लेकिन इस फिल्म में उनका किरदार एक दहेज लोभी पति का था। ये फिल्म खूब चली, लेकिन बदकिस्मती ने यहाँ भी उनको नहीं छोड़ा। मेहंदी फिल्म के बाद इनकी छवि नेगेटिव बन गई। इसके बाद इनकी 4 फिल्में आईं, दुल्हन बनू मैं तेरी, दिल ने फिर याद किया, बाजार और चांद बुझ गया। अफसोस कि किसी भी फिल्म को दर्शकों ने पसंद नहीं किया
और इसके बाद तो फिल्म मेकर्स ने उन्हें काम देना ही बंद कर दिया। फराज ने घर चलाने के लिए टीवी का रुख कर लिया। यहाँ वो कुछ हॉरर शोज में भी नजर आए। इसके बाद फराज टीवी और बॉलीवुड की दुनिया से गायब रहने लगे। वो अक्सर बीमार रहा करते थे। इसी का असर उनके करियर पर भी पड़ता जा रहा था और साल 2008 के बाद उन्हें टीवी पर भी काम मिलना बंद हो गया। फिर कई साल बाद एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। अक्टूबर 2020 की बात है। खबर ये थी कि फराज बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती हैं। उनके सीने में इन्फेक्शन हो गया था जो सीने से होता हुआ दिमाग तक फैल गया और उनकी हालत गंभीर हो गई। दिमाग में इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो अपने भाई फहमान खान को पहचानना भी भूल गए थे। उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। तब सलमान खान ने 25 लाख रुपए देकर उनके इलाज के सारे बिल्स चुकाए थे। एक महीने तक फराज अस्पताल में भर्ती रहे और दिन ब दिन उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ती ही जा रही थी। कोई एंटीबायोटिक दवा उनके शरीर पर काम ही नहीं कर रही थी। और फिर 4 नवंबर 2020 के दिन 49 साल की उम्र में फराज की मौत हो गई। बाद में उनके भाई फहमान ने ये खुलासा किया था कि फराज की मौत ब्लैक फंगस के कारण हुई थी। इस नए वायरस की जानकारी उनकी मौत के 6 महीने बाद हुई थी। इतनी कम उम्र में पिता की तरह ही उनकी मौत ने उनके चाहने वालों को हैरान कर दिया था। दोस्तों, आपको यूसुफ और फराज कैसे लगते थे हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वारिधि मंथन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ हम आपके लिए हमेशा लाते रहें।